नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे नौजवान कमजोर शरीर से परेशान हैं। उनका शरीर झरझर हो गया, चलते हुए टांगे दर्द करती है, कमर दर्द करती है, शरीर हमेशा आलस्य में रहता है, दिन भर कमजोरी महसूस होती है। पर चिंता मत करो, आज की इस वीडियो में आपको दिनचर्या बताएंगे स्वस्थ शरीर के लिए, साथ ही साथ कुछ देसी आहार भी बताएंगे जो आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नौजवानों ने आलस्य के कारण अपनी दिनचर्या फॉलो करना छोड़ दिया। सब अपना शरीर स्वस्थ करना चाहते हैं, पर जब दिनचर्या फॉलो एक्सरसाइज करने का नंबर आता है तब छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, जब तक अपनी एक दिनचर्या नहीं बनाओगे शरीर स्वस्थ नहीं होगा। मैं आपको दिनचर्या बताता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आज से ही फॉलो करने लगना। कुछ टाइमिंग अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे कर सकते हो, पर यह नहीं कि सुबह 4 बजे उठने की जगह 8 बजे उठो, ऐसा बिल्कुल मत करना। कोई इमरजेंसी हो तभी चेंज करना। देखो भाइयों, आपको सुबह 4 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए 4 बजे उठो, लास्ट 4:30 बजे तक, इसके बाद तक सोना मतलब भ्रम आनंद से वंचित रह जाना है। आपको 4 बजे उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम प्राणायाम ध्यान करना है। ऋषियों ने सुबह का समय इसलिए ही ब्रह्म मुहूर्त बताया है क्योंकि इसमें पर्यावरण में बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी रहती है, ऑक्सीजन बहुत रहती है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सुबह व्यायाम करने से हमारे फेफड़े भी बहुत जल्दी मजबूत होते हैं। आपको एक बात और बता दूं, जिनको पेट साफ की समस्या है वो सुबह चांदना होने से पहले पेट साफ कर ले, बहुत जल्दी होगा। ध्यान भी जरूर करे, मन शांत रहेगा, दिन भर गलत विचार नहीं आएंगे, काम वासना बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे ही शाम के समय भी ध्यान करे, शाम को भी व्यायाम कर सकते हैं अगर पेट साफ हो जाए तो। आप व्यायाम में राम मूर्ति दंड लगाओ, हनुमान दंड लगाओ, सिंपल पुशअप्स लगा सकते हो, पसीना आना चाहिए, बस इतने व्यायाम करो। शाम के समय ध्यान करने से रात को सोपंदो सोना खत्म हो जाएगा। आपको सुबह फिर 4 बजे उठना है। आपको बता दूं, 4 बजे के बाद तक ही सोने वालों को अक्सर सोपंदोष होता है, इसका भी खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं डाइट की। नंबर फर्स्ट पर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है पनीर। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, 100 ग्राम में 20 ग्राम फैट, 18 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, कैल्शियम आदि भरपूर मात्रा में होता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें, शरीर को सुडौल बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। पनीर कैल्शियम सामग्री में समृद्ध है और कैल्शियम दांतों और हड्डियों दोनों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। पनीर के सेवन से नर्वस सिस्टम सुचारू संचालन में भी मदद करता है और हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। पनीर स्वस्थ पाचन तंत्र बनाता है, इसमें फॉस्फोरस और मैग्नीशियम दोनों होते हैं। फॉस्फोरस स्मूथ डाइजेशन सिस्टम बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ एक्सक्रीशन या मल त्यागने में भी मदद करता है, और मैग्नीशियम में रेचक प्रभाव या लैक्सेटिव इफेक्ट होने से परिणाम स्वरूप कब्ज व कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। नंबर सेकंड पर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है दलिया। दलिया गेहूं को पीसकर बनता है और यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी होता है। प्राचीन काल हो या फिर आज, गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को सुबह ही सुबह दलिया ही दिया जाता है जिससे उनके शरीर में पूरे दिन एनर्जी रहे, और इसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, 100 ग्राम में 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट, प्रोटीन 10 ग्राम, विटामिन 10 ग्राम, मिनरल्स 10 ग्राम, बाकी जल होता है। अब देख लो कितने फायदेमंद है दलिया की। अगर हम फायदे की बात करें, सुबह एक कटोरी दलिया खाने से शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। यदि आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समस्या में निजात पाने के लिए दलिया खाना सर्वोत्तम उपाय है। दलिया में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन को ठीक रखने में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। नियमित दलिया खाने से पेट में कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। दलिया में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है और आसानी से पच भी जाता है। एक कटोरी दलिया प्रतिदिन सुबह खाने से पेट भर जाता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। एक दलिया शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। दलिया में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैग्नीशियम नर्व्स को शांत रखता है और शरीर को आराम प्रदान करता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों के दर्द को भी कम करता है। इसके बाद जो डाइट है वो है बादाम और मुनक्खा। इन दोनों को आपको रात को भिगो लेना है। जैसे आप सोने वाले हो तो रात को भिगो लो, 4-5 बादाम और 4-5 ही मुनक्खा दोनों को भिगो दो। इनको सुबह को उठकर आपको खाने हैं। जब आप व्यायाम प्राणायाम अपनी दिनचर्या को फॉलो कर लो उसके बाद आपको ये सब खाने हैं।
बाकी आप दलिया सुबह के समय ले सकते हैं, पनीर भी आप सुबह के समय लो या दिन के समय लो, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये सब आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेंगे। आप इनको खा के देखो, इनका सेवन करके देखो, और जो आपको दिनचर्या बताई है उसको फॉलो करके देखो। देखो अपने दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान जरूर ऐड करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी दिनचर्या आपकी दिन में पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, अगर आप कमेंट करें तो। वैसे आप अपने हिसाब से उसकी दिनचर्या बना सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर जरूर पूछना।